नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ यूएनओ के दो अंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और दूसरा है विद्यार्थियों न्यास परिषद। हमने पिछले के वीडियोस में यूएनओ के तीन अंगों के बारे में चर्चा की थी। पहला अंग था आपका महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद और तीसरा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब जो चौथा अंग है बच्चों, वो है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आप सब जानते हैं विद्यार्थियों कि यूएनओ का मेन काम था अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका दोबारा नहीं आए, इसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी विद्यार्थियों। लेकिन हमारे विश्व में ना केवल शांति और सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं भी विद्यमान थी। तो विश्व राष्ट्रों ने आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच का होना भी आवश्यक था। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच जो कि आर्थिक व सामाजिक समस्याओं, मानव अधिकारों, मानवीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, उस आयोग का या उस अंग का नाम है विद्यार्थियों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जो कि यूएनओ का एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसका उल्लेख यूएनओ के चार्टर के अध्याय 10 में जिसका उल्लेख है, और अनुच्छेद 61 से लेकर 72 तक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का उल्लेख करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं। ये पिछले एग्जामों में काफी बार पूछा गया है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं। ये परिषद स्थायी सदन है, मतलब यहाँ पर है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में प्रति वर्ष 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं और 1/3 सदस्य नए आते रहते हैं। तो यहाँ पर 54 सदस्य है और 54 सदस्य में से हर वर्ष 1/3 सदस्य हटते रहते हैं और 1/3 सदस्य नए आते रहते हैं। इन 54 जो सदस्य हैं, उनका चुनाव करती है महासभा। कौन करती है विद्यार्थियों? महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का हर वर्ष सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन चलता है 5 सप्ताह तक। एक साल में इसका सम्मेलन होता है, जिसमें विश्व दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आर्थिक एवं सामाजिक जो भी समस्याएं हमारे विश्व में विद्यमान हैं, उन मुद्दों पर विचार विमर्श जो है वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती है और अपनी संस्तुतियों को जो है महासभा और सुरक्षा परिषद के पास में भेजती है। आर्थिक और जो भी सामाजिक आंकड़ा वैश्विक दृष्टिकोण का होता है, वो भी सुरक्षा परिषद और महासभा के सामने प्रस्तुत करती है विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सम्मेलन हर वर्ष 5 सप्ताह तक चलता है। ये सम्मेलन एक बार न्यूयॉर्क में और दूसरी बार जिनेवा में, बारी बारी से इनके सम्मेलनों का आयोजन होता है। बाकी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका जो सम्मेलन है वो जिनेवा में भी आयोजित होता है। अब बात आती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या कार्य करती है। तो देखिए विद्यार्थियों, मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रता के आदेश को संस्तुति देती है। वैश्विक दृष्टिकोण से जो भी मौलिक अधिकार है और जो भी स्वतंत्रताएं आम नागरिक
को मिलनी चाहिए, उनको क्या देती है, अपनी संस्तुति प्रदान करती है, अपनी स्वीकृति या सहमति प्रदान करती है। कौन? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक आर्ट्स, जितनी भी विषय हैं, चाहे वो आर्थिक विषय हो, चाहे वो सामाजिक विषय हो, चाहे वो शैक्षणिक विषय हो, चाहे वो सांस्कृतिक विषय हो, उन सभी विषयों पर अध्ययन करती है, रिसर्च करती है। कौन? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। उसके बाद आती है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं उनके बारे में अपनी क्षमता के आधार पर सम्मेलनों का आयोजन करती है कि जो भी हमारे विश्व में आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन आपकी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती है। ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद आता है अभिशमयों के आदेश। इसका मतलब है कि मानवाधिकारों से संबंधित आर्थिक समस्याओं से संबंधित जो भी अभिशमय है उसको महासभा को प्रेषित करती है और जो भी आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़ा वैश्विक दृष्टिकोण की तरफ से आता है उन सूचनाओं को सुरक्षा परिषद को प्रेषित करती है। एजेंसियों को क्या करती है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का कार्य भी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती है। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, हमारे विश्व की जितनी भी आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझाने का कार्य करने का कार्य करती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जितने भी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं उन मुद्दों को सुलझाने का कार्य करती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आप ये भी ध्यान रखना कि यूएनओ जितना राजनीतिक क्षेत्र में सफल नहीं हुआ उतना आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सफल हुआ है। क्यों? क्योंकि विश्व की समस्याओं जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में थी उन समस्याओं को सुलझाया है यूएनओ ने। तो ध्यान रखना है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य है, महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य इसका चुनाव करते हैं, 1/3 सदस्य हर वर्ष पदमुक्त होते हैं, हर वर्ष 5 सप्ताह के लिए इसका सम्मेलन होता है, बारी बारी से 1 बार न्यूयॉर्क में 1 बार जिनेवा में सम्मेलन का आयोजन होता है। अब बात आती है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के क्षेत्रीय आयोग भी बने हुए हैं। तो कहाँ कहाँ पर है, हर महाद्वीप में इसका क्षेत्रीय कार्यालय बना हुआ है। तो अफ्रीका में इसका क्षेत्रीय आयोग बना हुआ है, आदिस बाबा इसका मुख्यालय है जो कि इथोपिया में पड़ता है। इसमें बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा गया है और सबसे ज्यादा पूछा है। एशिया व प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का क्षेत्रीय आयोग कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है बैंकॉक और थाईलैंड में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। यूरोप के लिए इसका क्षेत्रीय कार्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पश्चिम के लिए इसका क्षेत्रीय आयोग अम्मान जॉर्डन में है। लैटिन अमेरिका और जो आपके कैरिबियन राष्ट्र है उनका मुख्यालय सैंटियागो जो कि चिली में पड़ता है, ये यहाँ पर इसका मुख्यालय है विद्यार्थियों। तो ये पांचों क्षेत्रीय आयोग आपको याद रखने हैं, अफ्रीका आदिस बाबा, एशिया बैंकॉक, यूरोप जिनेवा, पश्चिम अम्मान जॉर्डन, लैटिन अमेरिका सैंटियागो जो कि चिली में पड़ता है, इनके मुख्यालय बनाए हुए हैं जो कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जो भी संबंधित समस्याएं हैं उनकी संस्तुति और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। ठीक है विद्यार्थियों। तो ये आपने देखा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो कि यूएनओ का चौथा अंग है विद्यार्थियों। अब आता है यूएनओ का पांचवा अंग न्यास परिषद।
यूएनओ का सबसे सफल अंग के नाम से जिसको जाना जाता है वो कहलाता है आपका न्यास परिषद। न्यास परिषद का उल्लेख यूएनओ चार्टर के अध्याय 12 में है। अनुच्छेद 75 से लेकर के 85 तक न्यास परिषद का उल्लेख किया गया है। अब बात आती है न्यास परिषद का गठन ही क्यों किया गया। तो विद्यार्थियों आप सबको ध्यान रखना है, न्यास परिषद में जो उनको शामिल किया गया जो कि जो आपके हारे हुए जो राष्ट्र थे उन हारे हुए राष्ट्रों ने उन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया, जिन क्षेत्रों को हारे हुए राष्ट्रों ने शामिल नहीं किया, हारे हुए राष्ट्रों ने जिन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया उन क्षेत्रों को न्यास परिषद के अंतर्गत शामिल किया गया। मैंडेट व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत? मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत इनको न्यास परिषद के अंतर्गत शामिल किया गया। जहां पर स्वराज्य स्वशासन या जहां पर ऐसा क्षेत्र जो अपना शासन करने में समर्थ नहीं थे उन क्षेत्रों ने स्वयं भी अपने आप को न्यास परिषद के हवाले कर दिया था। तो कुछ ऐसे उपनिवेश भी थे जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं कर सकते थे, जिनकी आर्थिक हालात खराब थे, उन राष्ट्रों ने भी न्यास परिषद के अंतर्गत अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ऐसे देश या ऐसे क्षेत्र जिनको उनके देशों ने छोड़ दिया था, जो किसी भी क्षेत्र में शामिल नहीं हो पा रहे थे, जो अपने स्वाधीन या अपने इतने सक्षम नहीं थे कि वो एक स्वाधीन राष्ट्र की स्थापना कर सके, तो ऐसे क्षेत्रों को न्यास परिषद के अंतर्गत मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। विद्यार्थियों अब ध्यान रखना, न्यास परिषद में कई क्षेत्र थे जैसे न्यूगिनी, न्यूगिनी किसका पार्ट था? ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। नोरू, नोरू भी कहां से था? ऑस्ट्रेलिया से था। रुआंडा बेल्जियम से था। सोमालीलैंड इटली से था। टंगानिया और कैमरून फ्रांसीसी इलाके भी थे और ब्रिटिश टंगानिका और कैमरून और प्रशांत महासागर के आसपास के जो क्षेत्र थे वो अमेरिका के अंदर में थे। इन सब क्षेत्रों को न्यास परिषद के अंतर्गत शामिल किया गया था विद्यार्थियों। लेकिन 1994 में यूएनओ के द्वारा पलाऊ को एक राष्ट्र का दर्जा दिया जाना और 185वें सदस्य के रूप में मान्यता देने के साथ ही पलाऊ का यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही न्यास परिषद का अस्तित्व खत्म हो चुका था। न्यास परिषद के अंतर्गत 1994 तक ही सदस्य थे, आज वर्तमान में न्यास परिषद ने अपना पूरा कार्य कर दिया है। आज न्यास परिषद के अंतर्गत कोई भी क्षेत्र शामिल नहीं है। तो न्यास परिषद यूएनओ का एक सफलतम अंग है जिसने अपना कार्य बहुत जल्दी पूरा कर लिया है। आज न्यास परिषद के अंतर्गत एक भी क्षेत्र विद्यमान नहीं है। लास्ट क्षेत्र था पलाऊ, 185वां सदस्य राष्ट्र बन गया 1994, तब से ही इसका अस्तित्व क्या हो गया विद्यार्थियों? खत्म हो चुका है। तो आज हमने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यास परिषद के बारे में अध्ययन किया। आगे के वीडियोस में इसका लास्ट जो अंग है विद्यार्थियों सचिवालय, इसका हम अध्ययन करेंगे और जिसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो ध्यान रखना है 54 सदस्य इसके क्षेत्रीय आयोग के बारे में और न्यास परिषद में ध्यान रखना विद्यार्थियों सबसे इम्पोर्टेंट जो SSC में भी कई बार पूछा गया है कि न्यास परिषद का अंतिम क्षेत्र कौन सा था? पलाऊ था, जो कि 1994 में न्यास परिषद से अलग हो गया और इसी के साथ न्यास परिषद का कार्य भी पूरा हो गया। इसके साथ ही ये हमने आज पढ़ लिया है। आप चाहते हैं कि मैं आगे के वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें, लाइक्स दें, शेयर दें, ताकि मैं आगे के वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं और इस कोरोना काल के समय को आप जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर पाओगे अपने आगे के भविष्य में सफलता प्राप्त कर पाओगे विद्यार्थियों। तो आप अगर सफल होना चाहते हैं, अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज समझना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।